गला व्यापारी ने की करोड़ों की धोखाधड़ी, व्यापारी परिवार सहित फरार। करीब 24 किसानों ने खनिया थाना पहुंचकर लगाई कार्यवाही की गुहार। व्यापारी ने की करीब 2 करोड़ की धोखाधड़ी। खनिया थाना के ग्राम क्यारा में एक गला व्यापारी ने किसानों के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी कर दी। गला व्यापारी ग्राम क्यारे का रहने वाला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि गला व्यापारी उमेश साहू मार्केट रेट से 2 रुपए बढ़कर गला खरीदता था और 15 दिन में रुपए देने का किसानों से वादा करता था। अब गला व्यापारी उमेश साहू ने ग्राम क्यारा से लगभग 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर अपने परिवार के साथ वो फरार हो गया है, जिससे किसान काफी परेशान है। अब किसान गला व्यापारी को जगह जगह तलाश रहे हैं। फिलहाल में किसानों ने खनिया थाना आकर शिकायती आवेदन दर्ज कराया है, जिसमें करीब 24 किसानों के नाम हैं जिनको व्यापारी से रुपए लेना है। देखना यह है कि खनिया थाना पुलिस इस पर क्या कार्यवाही करती है, या फिर शिकायती आवेदन रद्दी कागज बताकर दबा दिया जाता है और किसान ऐसे ही धोखाधड़ी के शिकार होते रहेंगे। आखिर कब तक ऐसे धोखाधड़ी के मामले होते हैं और आखिर कब तक ऐसे मामले सामने आते रहेंगे? आखिर इन पर लगाम क्यों नहीं लगाई? क्या हुआ आपके साथ में? मूंगफली खरीदी थी उमेश साहू ने 62 के दाम से कहके, हमने कही भाई 62 की दही, वो 62 की लेके उन्होंने 20 दिन आगे कहके, वो 1 तारीख को दही थी, 20 दिन आगे कहके 15 दिन आगे बीच में भाग गया। कहाँ चला गया? हाँ दे हुई पता नहीं उनका, फिर नंबर लगा रहा, मोबाइल नंबर लगा रहा, कुछ नहीं हो रहा। गाँव में कितने लोगों की खरीदी थी? कम से कम 100-200 लोगों की। कितने रुपए का फ्रॉड किया उसने? उसने कम से कम मीडिया के अंदर हुई है 60-70 लाख हो गए। राजा यादव है, मैं ग्राम इंडिया का रहने वाला हूँ और उमेश साहू नाम का जो व्यापारी था वो आस पीस के सभी गांवों से मूँगफली 1 महीने की उधार कहकर ले गया है, ना तो अभी तक किसी को पैसा दिया है। आज रात में 12 बजे घर से भाग गया है और अपने मकान में ताला लगा गया। कितने लोग हैं ऐसे? अभी तो हम 25 लोगों ने आवेदन दिया है, लेकिन 100-200 लोग के लगभग हैं। कितना पैसा होगा? लगभग लगभग 2-3 करोड़ के लगभग। मेरे को बीमारी में हो रहने वाला उमेश साहू ने मेरी 15 नवंबर को मूँगफली खरीदी, बोले मैं आपको 5 दिसंबर में पैसा दे दूंगा, तो मेरे से बोला कि मैं आपको, मेरे बीमार हो गया मैं, तो बोले मैं उज्जैन जा रहा हूँ पथरी का इलाज कराने के बाद बोले मैं आऊँगा सोमवार को, मैं सीबरी से व्यापारी के पास से पैसा लेके आपका दूंगा। इसमें हमने आप सुनी के रात में वो 12 बजे भाग गया। कितना पैसे का गेम? अपन को लेना था 1,02,191 रुपये। ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे कम से कम 25 लोगों का आवेदन तो जी साहब, और कम इमिलिया पहाड़पुर टालापाई 10-20 गांव से ममरोनी। क्या उसने मार्केट रेट से ज्यादा लिया? नहीं नहीं, हमारी तो मार्केट रेट से ज्यादा नहीं ली, 51 की ली, जो 51 की चल रही थी। हमसे 15 दिन की उसने 20 दिन की बोली थी, 20 दिन बाद आपको पैसा दूंगा। क्या घटना हुई तुम्हारे साथ में? सर उमेश साहू मूंगफली खरीद लेगा, 1 महीने की पैसे की क्या गया, कोई पैसा दिया नहीं है। मैं फैमिली के साथ ताला डाल के रात के 12 बजे निकल गया रहा भी। कितने लोगों का गेहूँ खरीदा उसने? साहब कम से कम उसने तो खरीदा 1-2 करोड़ के आसपास पास समझ मूंगफली। साहब उदासीनता के कारण इस खनिया थाना तहसील में किसानों के साथ 4-5 बार ठगी हो चुकी है। किसानों का पूरा गल्ला व्यापारी लेता है, पूरा गल्ला बेच के अपने आप को दिवालिया घोषित करके भाग जाता है। ऐसी 4-5 घटनाएं हो चुकी हैं और आज तक किसी भी घटना पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। यहां तक कि किसानों को सूखा राहत राशि का पैसा आया था और तहसील के अमले ने किसानों की पूरी सूखा राहत राशि हड़प ली और इसकी मैंने EOW में शिकायत की है, उसकी जांच होने वाली है। यहाँ किसानों के साथ लगातार शोषण हो रहा है और सरकार हर प्रकार के गलत आदमी को संरक्षण दे रही है।